कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। खुलकर आओ, खुलकर खेलो, हर व्यवस्था यहाँ है, कुछ नहीं होगा। यह ओवर कॉन्फिडेंस ही भाजपा नेता व हरमनी होटल के हिस्सेदार नवीन अरोड़ा पर भारी पड़ गया। छापे के वक्त वहां मौजूद होना, पुलिस क्षेत्राधिकारी से अधिकार पूर्वक मुस्कुराते हुए बात करना, यह दर्शाने और बताने के लिए काफी है कि छापे के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करे। यह विश्वास नवीन अरोड़ा को था। यही कारण रहा कि बाकी पार्टनर छापे की सूचना मिलते ही वहां से निकल गए, नवीन अरोड़ा नहीं। फिर वैसे भी राजनीतिक नेताओं व अफसरों से करीबी संबंध होने के नाते सभी पार्टनर में होटल हारमनी का मुख्य चेहरा नवीन अरोड़ा ही है। नौचंदी थाने से मेडिकल के लिए ले जाते हुए नवीन अरोड़ा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अलबत्ता यह कहते हुए उन्हें सुना गया कि कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। साथ चल रहे साथी नवीन की बात में हाँ में हाँ मिला रहे थे और कह रहे थे, व्यापारी आदमी है, ये तो चलता रहता है। एक साथी यह भी चिल्ला रहा था कि अब इन थाने वालों को हम देखेंगे। पहले देखिए थाने से बाहर आते हुए नवीन अरोड़ा को। पुलिस कार्रवाई पर उंगली न उठे इसके लिए जमानती अपराध होने के बावजूद नवीन समेत 8 लोगों को थाने में रोका गया। बाद में एक अन्य धारा 3/4 बढ़ाकर कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक अंतिम जमानत दे दी, यानी 25 को कोर्ट ने अंतिम जमानत की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ा दी। संभावना जताई जा रही है कि 4 नवंबर को 8 अभियुक्तों को जमानत मिल जाएगी। यहां यह बड़ा सवाल है कि यदि इस सारे खेल में हारमनी होटल संचालक दोषी है, वहां करोड़ों का जुआ खिलाया जा रहा था, तो नौचंदी थाना पुलिस का दामन कैसे साफ हो गया। टेबल लगाकर कई माह से वहां जुआ खिलाया जा रहा था और थाना पुलिस सोई हुई थी। संपूर्ण प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि अपना दामन पाक साबित करने के लिए पुलिस ने 8 अभियुक्तों को कोर्ट पहुंचा दिया, लेकिन प्रमुख अखबार लिख रहा है कि 3 लाख रुपए प्रति नाइट थाना पुलिस लेती थी। इस दावे पर पुलिस अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हालत यह है कि छोटे मोटे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले पुलिस अफसर इस सवाल के जवाब पर कन्नी काट रहे हैं। यहां सवाल यह भी उठता है कि यदि इस सारे खेल में हारमनी होटल संचालक दोषी है, तो नौचंदी थाना पुलिस का दामन कैसे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन गया? दरअसल बीते सोमवार को एक सूचना के आधार पर SSP डॉक्टर विपिन टाडा के आदेश पर कई थानों के पुलिस ने होटल हारमनी पर छापा मारकर वहां संचालित कैसीनो पकड़ा था। छापे के वक्त नवीन अरोड़ा उसी हॉल में थे और वहां जुआ खेलने वालों की संख्या 100 से अधिक बताई गई है।
और चंदे थाना पुलिस व सीओ को 5 मिनट पहले ही बताया गया था, बावजूद इसके छापे की सूचना लीक हो गई और तमाम लोग वहां से भाग निकले। इनमें होटल के बाकी हिस्सेदार बताए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। नवीन अरोड़ा को घर भेज कर दोबारा से बुलाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया। नवीन के साथ 7 और गौरव कंसल, मोहित टंडन, संजय अरोड़ा, देवेंद्र सेठी, राकेश सहगल, राजकुमार व संजीव गुलाठी भी कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने 25 नवंबर की डेट लगाते हुए अंतरिम जमानत पर सभी को जाने दिया। आज फिर पेशी हुई और यह अवधि 4 नवंबर तक बढ़ा दी गई, यानी 4 नवंबर तक इन 8 लोगों को फिलहाल जमानत मिल गई है अंतरिम। गंभीर बात यह भी है कि नवीन अरोड़ा के अलावा अभी तक होटल के अन्य भागीदार राजेश मेघवानी, राजेश जुनेजा, अशोक तनेजा और अमित चांदना के कॉलर पर पुलिस ने अभी तक हाथ नहीं डाला है। सवाल होता है क्यों? बड़ा सवाल यह भी है और संदेह भी। जहां तक बात होटल हारमनी में चल रहे कैसीनो की है, तो वहां 1 लाख रुपए के काउंटर लेने पर ही एंट्री रखी गई थी। यहां 3 पत्ती का गेम खिलाया जा रहा था। यहां प्रत्येक टेबल पर पत्ते बांट रही युवती शो होने पर 8% रकम अपने पास रख बाकी जीतने वालों को दे रही थी। यह रकम कॉइन के रूप में थी। प्रत्येक गेम का 8% होटल संचालक को जाता है, ऐसी परंपरा और व्यवस्था है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट के लिए। नमस्कार।